Very good morning students. Today we are just going to discuss some important numericals with which you can clear your concepts. So देखिए अभी हमने Google Meet लिया था पर clear नहीं हो पा रही थी picture. तो ठीक है I'll make the video so that you will get the good knowledge about that numericals. तो देखिए क्या है numerical? हमारे पास एक right sorry we are having a equilateral triangle जिसके vertices पे small charge रखे हुए Q. ओके नेम दिस वर्टिसेस ए बी सी. ये आपका एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा. सबकी साइड यहां पर कितनी दे रखी है एल 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 दे रखी है क्लियर बेटा राइट. यहां तक समझिए यहां पर सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा है क्यू. इस क्यू चार्ज पे हमें क्या निकालना है नेट फोर्स निकालनी है. क्या निकालनी है बेटा नेट फोर्स निकालनी है क्यू चार्ज पे. ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है इस पर नेट फोर्स निकालनी है. अब एक चीज समझिए कि ये आपका सेंट्रोइड है तो मैंने लिख दिया जी. तो सबसे पहले यूजिंग योर 10th कांसेप्ट मैथमेटिक्स का कांसेप्ट है कि हमारे पास जो एजी होता है वो होता है आपका 2/3 ऑफ एडी. अभी हमने एडी नहीं दिया लेकिन यहां से हम ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने बीसी पे. तो हमें एडी की वैल्यू अगर पता है तो हमें एजी यानी ए से जी तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा. सेंट्रोइड का मतलब ये नहीं है कि यहां सेंटर है. सेंटर नहीं है ये 2/3 ऑफ एडी होता है. तो अगर हम ध्यान से यहां पर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास एडी किसके बराबर होगा एडी डिवाइड बाय एसी इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना आएगा 60 डिग्री. क्योंकि ये एंगल कितने हैं 60 डिग्री है बेटा. ध्यान से देखिएगा ये एंगल कितने हैं 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो यहां से हमारे एडी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एल साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2 √3/2. तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कितना आएगा ये जी 2/3 और साथ में यहां पर क्या आएगा एल अंडर √3/2 2 से 2 कैंसिल तो यहां पर आएगा एल √3. क्लियर है बेटा एल √3. तो इसका मतलब क्या हुआ ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू एल बाय √3 है. क्या है बेटा एल बाय √3 है. कहीं कंसेप्ट क्लियर तो नहीं. ऐसा कोई तो नहीं है कि किसमें कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है. तो देखिए बेटा क्या है ए जी बी जी सी जी अभी तक मैथमेटिक्स लग रहा है आपका और कोई भी फिजिक्स पार्ट यूज नहीं हुआ. यहां तक आपने नोट डाउन करना है. कर लिया बेटा सभी ने नोट डाउन. अब नोट डाउन करने के बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि बोर्ड छोटा है नहीं आ रहा है इस पे. तो हम कोशिश करते हैं साथ साथ में आप नोट डाउन करेंगे. तो यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें हमें निकालनी है फोर्स. अगर हमें फोर्स निकालनी है क्यू पे तो सबसे पहले मैं इस बी को ले लेता हूं और ये किसको इसको क्या मानता हूं टेस्ट चार्ज. तो ये भी पॉजिटिव तो क्या होगा मान लीजिए हमने मान ली एफ टू. क्लियर इसको मान लिया वन इसको मान लिया टू इसको मान लिया थ्री. ऐसा क्यों माना क्योंकि इजी हो जाती है हमें लिखना नहीं तो बी सी कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जाएगा. ये हो गया आपका एफ टू. सिमिलरली यहां से अगर मैं बात करूं तो ये रिपल्सिव फोर्स यहां पर लगेगी जिसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी एफ थ्री. ऐसे ही एफ ए की यहां पर कितनी आएगी एफ वन. ओके तो दीज आर दी थ्री फोर्सेस विच आर इन वेक्टर फॉर्म. क्योंकि फोर्स क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो तीनों क्या है वेक्टर फॉर्म में है. क्लियर यहां तक बेटा. अब अगर हम बात करें एफ वन को निकालने की तो हमारा आंसर कितना आएगा देखा जाए तो के क्यू क्यू डिवाइड बाय क्या आना चाहिए एल बाय √3 का होल स्क्वायर. क्या एफ टू भी इसके बराबर आएगा क्या एफ थ्री भी इसके बराबर आएगा. यू कैन चेक फ्रॉम योर कॉपीज जो मैंने डायग्राम बनाया है देख लीजिए. ये तीनों फोर्सेस जो हैं आपकी वो क्या होंगी एग्जैक्टली सेम आएंगी. क्लियर यहां तक सेम आ गई. अब आप समझिए कि हमारे जो नेट फोर्स निकालनी है हमें चार्ज पे कौन सा चार्ज कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू पे हमारी फोर्स निकालनी है हमने क्या आएगी हमारी फोर्स टोटल फोर्स. टोटल फोर्स कैसी आएगी हमारी एफ वन एफ टू और एफ थ्री का नेट. तो अब देखिए ना तो ये एक ही डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है. दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको ये समझने की बात है. कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा यहां पर अगर मान लो मैं इसकी बात करूं यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की तो ये एंगल आपका कितना है 30 तो ये भी एंगल कितना होगा 30 और ये भी कितना होगा
30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। तो डायग्राम मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपको। डायग्राम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है F3 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है F2 है, इसके बीच में हमारा एंगल कितना है 120 डिग्री का है। अगर 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर है हमारे पास, तो आप ये नोट डाउन करेंगे कि 120 डिग्री का एंगल होने के बाद क्या हो सकता है। वी कैन अप्लाई आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना बड़ा इजी है, आप सभी को पता है। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, डायगोनली आएगा, तो ये आएगा F2 3। इसको नाम दे दिया हमने F2 3 वेक्टर, और इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकलेगी बेटा, F2 3 इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2F3 cos ऑफ 120 डिग्री अंडर द रूट। क्लियर बेटा यहां तक। अब आप देखें कि F2 और F1 F3 सभी के हैं आपस में बराबर है, यानी इसको मैं F2 लिख सकता हूं, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा F2 का स्क्वायर प्लस F2, ये भी F2, और साथ में cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कितना होगा, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारा sin 30 डिग्री माइनस का आएगा, sin 30 डिग्री की माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2 यहां पर पुट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर कितना आएगा, ये तो आएगा 2 क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहां पर कितना आएगा F2 का स्क्वायर, तो यहां पर आंसर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू F2, दैट इज इक्वल टू F2। तो नोट डाउन करेंगे बेटा, दो फोर्सेस का जो हमने नेट निकाला विद द हेल्प ऑफ योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या आया F2 3 आया। कर लिया बेटा नोट। यहां तक करने के बाद हमारे पास डायग्राम क्या बचेगा, डायग्राम बचेगा ये हमारे पास कैपिटल क्यू है, यहां की तरफ हमने जो फोर्स निकाली वो आई F2 3, जिसकी वैल्यू कितनी आई मैग्नीट्यूड फॉर्म में F2 के बराबर आई, और नीचे हमारे पास जो फोर्स इस पे लगी है वो कितनी लगी है, हमारे पास F1 लगी है। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, KQQ डिवाइड बाय L/√3 का होल स्क्वायर, और यहां पर भी हमारी वैल्यू कितनी आई है, KQQ डिवाइड बाय L/√ का होल स्क्वायर। तो आप ये देखिए कि दोनों फोर्सेस, दोनों कौन कौन सी फोर्सेस की बात कर रहा हूं बच्चे, F2 3 एंड F1 दोनों के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे कंसाइड करते हैं। क्या भूल गए आप लाइन ऑफ एक्शन क्या होता था, लाइन ऑफ एक्शन की इस फोर्स का बैकवर्ड कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है, ये वाली फोर्स कहां से आ रही है, ये पीछे से आ रही है, दोनों की जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन हमने जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दे आर कंसाइडिंग एट सिंगल पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, दोनों बराबर हैं, तो यहां पर नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, अब तो पता चली गया आपको नेट फोर्स कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। नोट डाउन करेंगे बेटा इसको फटाफट से, कीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका NCERT का है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, दिस पॉइंट हमने मान लिया, इस पॉइंट को ए पॉइंट और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी पॉइंट, दोनों ही पॉइंट पे आपके पास -10 माइक्रोकूलम एंड +10 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हुए हैं, क्लियर। और आपको याद हो डाइपोल क्या होता था आपका, डाइपोल इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 10 माइक्रोकूलम जो है और -10 माइक्रोकूलम है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, 5 mm दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है, और एक पॉइंट हमें यहां पर दे दिया पी पॉइंट, पी पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर है, कहां कितनी दूरी पे बेटा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। अगर ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो यहां पर हमें नोट डाउन कर लिया, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है, तो पी पॉइंट पे निकालना है, और एक हमें किस पे निकालना है, क्यू पॉइंट पे निकालना है, और क्यू पॉइंट भी कितनी दूरी पे है हमारा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आप नोट डाउन करेंगे यहां पर हमें चार्ज कितना दे रखा है बेटा, 10 माइक्रोकूलम। अब आप कुछ सोचेंगे कि सर माइनस प्लस दे रखा है, ओके इट्स अ माइनस प्लस साइन, दैट इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उससे हमें क्या मिला, डाइपोल मिला, तो हमने चार्ज की वैल्यू लिखनी है फिलहाल केवल, वो कितनी आएगी, 10 माइक्रोकूलम है, 10 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁵, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵ कूलम, ओके। अब हम बात करते हैं 2A की,
टू ए कितना आएगा बेटा, 5 mm है, 5 mm का मतलब 10^-3 मीटर, 2a की वैल्यू भी हमारे पास आएगी। अगर हमें कोई जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए a की वैल्यू तो कितनी आएगी, 2.5 × 10^-3 मीटर, क्लियर। अब हम बात करें r की, r हमारा ओरिजिन से कैलकुलेट होता है, चाहे यहां से लेके यहां तक इसको r मान लीजिए, यहां से लेके यहां तक इसको क्या मान लीजिए, r मान लीजिए, तो दोनों ही r हैं। r मैंने यहां पर लिख भी देता हूं, दैट इज इक्वल टू op इज इक्वल टू oq। तो कितना है हमारा r, देख लीजिए 15 सेंटीमीटर है बेटा, कितना है 15 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 10^-2 मीटर। क्लियर है बेटा, यहां तक कितना हो जाएगा, 15 × 10^-2 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर होने के बाद आप समझिए कि हमें निकालना है पी पॉइंट, और आपका पी पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है बेटा, रिमाइंड कीजिए सभी चीजों को, कहां पर प्रेजेंट है आपका पी, पी प्रेजेंट है आपका ऑन दी एक्सियल लाइन। पी कहां पर प्रेजेंट है आपका, ऑन दी एक्सियल लाइन। अगर एक्सियल लाइन पे पी है आपका, तो ये ध्यान से देखते जाइए, एक्सियल लाइन पे पी है आपका, और एक्सियल लाइन पे पी अगर आपका है, तो एक्सियल लाइन पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो कितनी आती थी, याद कीजिए, 1/4πε₀। साथ में क्या आता था, मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहा हूं, 2πr। नीचे कितना आता था, r² - a², और साथ में कितना आता था, यहां पर स्क्वायर आता था। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो वहां आती थी डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन आती थी इस साइड अलोंग ओपी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्शन कहां पर आएगी, अलोंग ओपी। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ सिस्टम आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आर कितना है बेटा हमारा, 15 सेंटीमीटर, आर कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये जो हमने निकाला था ए कितना आएगा हमारा, अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा आएगा 2.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, याद है सभी को, ए को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 1/4πε₀, यहां पर कितना आएगा, 2π/r, से नीचे r4, यहां पर आएगा r³, तो यहां पर आएगा 9×10^-9 2 गुना में क्यों, क्यों कितना है आपका, 10^-5 × 2a, 2a कितना है हमारा बेटा, 5 × 10^-3 r³, r where is r, r दिए है हमारा r³, 15 × 10^-2 का क्यूब। क्लियर बेटा, यहां तक नोट डाउन करेंगे बेटा इसको। अब हमारा जो आंसर आया बेटा सोल्व करके, ये कितना है, 2.67 × 10^5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो यहां तक हमने कर लिया। अगर हमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू निकालो, तो क्यू पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा बेटा, टेस्ट चार्ज रखेंगे, मान लीजिए टेस्ट चार्ज हमारा है क्यू, इस पॉइंट पर +1 चार्ज रख दिया, +1 अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और ऐसे ही ये +1 रिपेल होगा ऐसे इस साइड, तो इसका नेट कहां पर आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, नेट आएगा। और आप ध्यान से देखिए, कई बच्चे इस स्टेज को टेढ़ा बना देते हैं, टेढ़ा नहीं बनाना, आपको स्ट्रेट बनाना है, पैरेलल टू दिस डाइपोल मूवमेंट। तो ये कौन सा केस है बेटा, इक्विलेटरल का केस है। अगर इक्विलेटरल का केस है तो यहाँ पर ई क्यू आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा, याद है यहाँ पर आर नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, तो पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 होता था, अंडर रूट साथ में इंक्लूड होता, तो यहां पर कितना आता था आपका, 3/2, याद आ गया बेटा कितना आएगा, 3/2, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आएगा 2r³ आ जाएगा, यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा, r³ आ जाएगा, यानी p/4πε₀r³। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, यानी जितना आंसर हमारा आया था उसका आधा आंसर आएगा, 2.6 का आधा कितना कर देंगे इसको, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 1.3 × 10^5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा।